एक बार की बात है, जब मैं एक शहर में एक लड़के के पीछे चल रहा था, उस पर थोड़ा कमेंट मारी हो, बड़ी झकास लग रही हो। फिर मैंने इसके बाद कुछ और बोल दिया। कोई भी मुस्कुराता, एक बात इमोशन हो जाता, कुछ भी बोल दिया। फिर मैंने उसे, जानते हो क्या किया उसने, FIR मुझ पर कर दी। जान पहचान के थी, FIR कर दी उसने। जब FIR कर दी तो पहले हमें पुलिस ने रिपोर्ट किया कि तुझ पर ऐसा ऐसा FIR है, जे थाने में आकर मिलो। तब मैंने थाने पहुंचा। जब थाने पहुंचा तो दरोगा ने कहा कि अबे ऐसे क्यों करता है तू। तो मैंने तो डरा कुछ। उसके बाद फिर उसने क्या किया, सर कैसे मैनेज कर दीजिए। मैंने कहा, तब बोला कि नहीं होगा मैनेज। तो फिर कहा, ला रहे मैनेज कर देता हूँ, 25,000 रुपये लगेंगे, मैनेज कर देता हूँ, बल नाम हटा देता हूँ तुम्हारा, यहीं तक खत्म कर देता हूँ मामला। मैंने फिर जब एक बार रिक्वेस्ट किया, दोबारा अगर एक रिक्वेस्ट किया, वो नहीं माना, तो फिर दोबारा उसने कहा, मैंने उसको इनकार कर दिया, कहा नहीं मैं कोर्ट से केस लड़ लूंगा। तब क्या हुआ इसके बाद कि मैं डर बहुत झकास है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मजा ही मजा आएगा, नहीं तो फिर नाम बदल दीजिएगा। फिर बात क्या हुई ना, इसके बाद मेरी सिस्टम जो है भारतीय संविधान पर चली जाती है, और वहां के क्या सुधार किया जाए इसके बारे में फिर मैं बात कर लेता हूँ इसमें। तब मैंने क्या किया, कहा कोर्ट में जो केस के भेजो, मैं वहां से एडजस्ट कर लूंगा। जब कोर्ट में गया तब उस मामला को करीब 17 में बात हुआ था। उस मामला को मैंने जब चालू कर के उस मतलब तारीख पर चलना शुरू कर दिया, तब जानता है 17 से आज 2023 तक वो केस अभी तक चल रहा है। एक छोटी सी मामला अभी तक वो चल रहा है। ऐसा मैटर जानते किस लिए है, मतलब जो हमारे कोर्ट में जज हैं उनसे कहीं ज्यादा पावर हमारे यहाँ के दरोगा के होता है। ऐसा है, हम कैसे भारतीय संविधान पर, मान लिया जाए संविधान बना, जो तो बना बहुत अच्छा किया है, लेकिन सारे लागू करने वाले जो है ना, वो कमी है उसमें, उसकी माइंड में कमी है। उसकी जो जितना एलिजिबल होना चाहिए जज चाहे कुछ भी, तो वो नहीं है। हमारे सिस्टम को जैसे हर केस को अगर कोई किसी के यहाँ जाता है तो फिर की करता है, और उसको पढ़ता है, छोड़ देता है। कोई ऐसा भी मामला हो, कोई भी कैसा भी मामला हो, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। जो बड़ी मैटर है उसको सुनवाई 60 दिन में कर देनी चाहिए, छोटी छोटी मैटर के 30 दिन में। ये सबको सुधार कर दिया जाए तो हमारी सिस्टम और अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें लगता है हमारे यहाँ जज से ज्यादा पावर दरोगा के है। उस टाइम हमको लगा ऐसा। ऐसी सब चीज को अगर सुधार कर दिया जाए हर क्षेत्र में, मैं किसी भी चीज का कंप्लेन अगर करता हूँ, कृषि से रिलेटेड, खाद निगम से रिलेटेड, तो वो सब कंप्लेन करता हूँ तो कंप्लेन की सुनवाई नहीं होती है। वो क्या कहते हैं, जरूरत तुम्हें है ना, तुम जाओ तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। मैंने एक बात और, एक कहानी और कहता हूँ। क्या हुआ, मैंने एक बार खाद का बड़ा इधर उधर चलते रहता है तो नहीं मिल रहा था खाद का पारा जो है, उसका रेट मिलता था 1460 का मिलता है, मतलब 1460 का मिलता है, 1360 का मिलता है, लेकिन वो क्या करता है 1800-1800 में दे रहा है। उसका जब कंप्लेन करने गया SDO के पास में, एग्रीकल्चर विभाग में गया, तो फिर उसने क्या बोला, कहाँ से आए हो, तो बोल मैं फलना फलना जगह से आया हूँ। बोला उसने, कहा कि तुम्हें लेना जरूरी है ना, तुम्हें लेना जरूरी है कि कंप्लेन करना, कि हमें कंप्लेन करना जरूरी है, सभी पब्लिक को ऐसा चाहिए। तो बोल बेटा तुम ऐसा करो,
मेरा नंबर ले लो, मिल जाएगा हमसे। ऐसी बात बोली। जो कंप्लेन करता हूँ वो कंप्लेन नहीं, वो कहता है तू उठा लेना, मैं कर दूंगा, तू अपना काम से मतलब रखना, ऐसे कर करके घोर घोर के खा जाओगे। ऐसे वीडियो के आप लास्ट तक देखे हैं। अगर अच्छे लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो ये चैनल मिलेगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और कोई भी कंप्लेन करनी होगी तो इस नंबर, मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ की जो सिस्टम होगा, अगर 10 5 20 हो जाएंगे तो हम लोग साथ मिलकर कंप्लेन कर सकते हैं। ओके।